मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए फ्लोरिंग की वीडियो। ये है फ्लोरिंग, आउटसाइड का फ्लोरिंग है, घरों में भी फ्लोरिंग होती है और ये बाहर साइड में फ्लोरिंग हो रही है कॉलोनी के कंपाउंड में। आप देख सकते हैं सीमेंट का जो स्लैब है जमीन पर जो है, अब इसके ऊपर जो है लादी लगाई जा रही है एक बाई एक की। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रोसेस इसका कि किस तरीके से जो है लादी लगती है। ज़्यादातर जो है अक्सर लगता है कि बस रेती सीमेंट बिछाई गई है और लादी उस पर रख दी गई है और जो है फ्लोरिंग तैयार हो गई है। नहीं, फ्लोरिंग के लिए भी काफ़ी फिनिशिंग और इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है और जो है कारीगरों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हर कारीगर अपने लेवल पे जो है पूरी तरीके से जो है जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। ये कॉर्नर तोड़े जा रहे हैं ताकि जो है लादी परफेक्ट बैठे, उस कॉर्नर की वजह से जो है कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ताकि जो है जब भी फ्लोर रेडी होगा तो फ्लोर एक खूबसूरती दिखनी चाहिए। और ये दूसरा बंदा जो है, जो कॉन्क्रीट तोड़ा गया है साइड्स का, उसे जो है उठा के जो है एक साइड पर फेंक दिया जाएगा, जहाँ पे भी इसे डिस्ट्रॉय करना है इसको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। और ये ज़मीन पे बिछाए रेती सीमेंट और थोड़ा थोड़ा करके रेती सीमेंट को बिछाया जा रहा है, यानी एक एवरेज के हिसाब से कि इतना गोनी रेती और इतना मतलब जो है, ये आप देख सकते हैं एक बाई एक की लादी रखी है, वही लादी यहाँ पे लगनी है। तो ये रेती सीमेंट को मिला के जो है पूरा आहिस्ते आहिस्ते बिछाया जा रहा है। हर तरह से जो है हर मिस्त्री जो है अपना काम प्रॉपर करता जा रहा है। इसी को कहते हैं कि टीम वर्क। ये सीमेंट जो है गमेले में निकाला जा रहा है और एक एवरेज होता है मिस्त्री का कि इतना सीमेंट जो है इतनी रेती पर लगेगा। तो यहाँ पे जो है माल को फुर्ती के साथ जो है मिला रहा है मिस्त्री, मिलाते हुए जो है उसे बिछा दिया जाएगा। और ये जितना भी साइड्स बचा हुआ है ये जो है एक मिस्त्री तोड़ रहा है। ये मशीन चलाना कोई आसान काम नहीं है, ये मशीन का वेट बहुत होता है और जब वाइब्रेट होती है तो पूरा बदन हिलता है। लेकिन इन मिस्त्रियों को आदत है तो काफ़ी मेहनत से काम कर लेते हैं और काफ़ी जो है बेहतरीन काम कर लेते हैं। यानी कि जो है अगर नया बंदा हो तो उससे ये मशीन चलना मुश्किल होगा, यानी इसका साउंड भी बहुत होता है और वाइब्रेटिंग भी बहुत होता है और इसके अंदर कारीगरी और ताकत दोनों का इस्तेमाल होता है। और ये मिस्त्री जो है सीमेंट यहाँ पे रेती के अंदर मिला के जो है फावड़े से जो है इसे माल काटना कहते हैं। ये माल काटना इसने चालू किया, यानी कि माल को मिलाना इसने चालू कर दिया है। पर ये घमेला थोड़ी देर में रख देता है, लेकिन जो है ये दिन भर जो है फावड़ा चला सकता है। लेकिन जो एक जिम में इंसान जाता है और ये जो मजदूर है तो इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। जिम वाला इंसान अगर चार पांच बार फावड़ा खींचेगा तो ज़रूर थक जाएगा, लेकिन ये मिस्त्रियों को इतनी हैबिट हो जाती है कि जो है ये फावड़ा दिन भर खींच लेते हैं। और इन्होंने जो है मिक्स करके जो है इस तरीके से बिछाना चालू कर दिया। ये फैला रहे एवरेज, इन्हें जो है एक आँख से अंदाज हो जाता है कि हाँ इतना माल यहाँ फैलाना है और ये फैलाते चले जाते हैं। और बस ये माल फैलाने के बाद इस पर लादी लगना शुरू नहीं होगी, उसके लिए भी कारीगरी है। माल बराबर फैलाते हुए जा रहे हैं और इन्हें एक डायरेक्शन दिया जाएगा और माल को सही करने के लिए। तो डायरेक्शन के लिए जो है लादी अब शुरू होगी लगना, तो लगने के पहले काफ़ी इसमें कारीगरी है। दो मिस्त्री जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो ये दोनों मिस्त्री का बड़ा रोल है इसके अंदर। तो ये लोग जो है लेवल पाइप की मदद से इसका लेवल निकालेंगे, यानी जब फ्लोर तैयार होगा तो बराबर सीधा दिखना चाहिए फ्लोर, उसके लिए कारीगरी होती है। तो ये लेवल पाइप कहते हैं इसे। इसके अंदर पानी भरा जाता है और दोनों सिरे पे जो है मिलाया जाता है। तो पानी का एक सिरा जो है एक मिस्त्री फाइनल करता है। इन्होंने फाइनल किया है कि जहाँ राइट साइड का कोना है वहाँ से उसको शुरू किया जाएगा और वहीं से जो है चारों पॉइंट मिलाए जाएंगे, उसके बाद लादी लगना शुरू होगी। तो ये जो है पाइप को मिलाया जा रहा है ऊपरी हिस्से में, यानी पानी का लेवल जो है ऊपरी हिस्से में होगा और फिर जो सामने वाला मिस्त्री है वो मार्क करेगा। तो इनकी एक लैंग्वेज है कायम। तो इन्होंने जब कायम कहा तो उस मिस्त्री ने जो है मार्क करना शुरू कर दिया। तो वहां पे जो है मार्कर से मार्क किया जा रहा है ताकि जो है मार्क हिले ना, और फिर उसी तरीके से जो है रेती सीमेंट बिछाया जाएगा और उसी फ्लोरिंग के हिसाब से जो है फ्लोरिंग चलेगा। अब समझने की बात यह है कि जो इंजीनियर है वो तो जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जिन्होंने पढ़ाई की है कॉलेज में इंजीनियरिंग की, उन्हें यह बेहतरीन तरीके से मालूम है। और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। जो टॉप पोजिशन है ये जो मिस्त्री के पास रखी हुई है लादी, खड़ी एक लादी, और वो जो आगे लादी रखी है इसके अंदर एक मार्क है। तो अपने जो एक लादी मिला के जो है यहाँ पर जो है टॉप यहाँ पर आएगा और नीचे जो है नीचे का जो बेस होगा उसी हिसाब से माल को बिछाया जाएगा और एक लाइन डोरी बांध दी जाएगी ताकि जो है माल खींचने में आसानी हो, यानी माल का एक फ्लोर मिल जाएगा।
और ये तीसरा कोना लिया इन्होंने और सेम उसी तरीके से जो है उसी लादी से इसको भी मार्क किया जाएगा और ये भी कायम हो चुका, यहाँ पे भी मार्क लग चुका है। तो बिल्कुल ये टॉप सिरा है, इसी टॉप सिरे की मदद से जो है लेवल लिया जा रहा है और ये टॉप सिरा बराबर रहेगा, फ्लोर यहीं से शुरू हो जाएगा और यहीं से जो है लाइन डोरी चारों कोने में बांध दी जाएगी। फिर हम आपको दिखाते हैं एक बार के जो है ये लेवल इस लादी पे रखा जाएगा, यानी लादी जो है थोड़ा ऊपर रखी गई है और काफ़ी मिस्त्री अपने अपने हिसाब से काम चालू रखे। यहाँ पे भी उसी तरीके से जो है ये इसको चेक कर रहे कि निशान लग रहा है नहीं लग रहा, और अब जो है डिस्कस करके फिर वही मिस्त्री एक दूसरे को आवाज़ देंगे और फिर कायम का इस्तेमाल किया जाएगा जो मिस्त्रियों की भाषा है। और परफेक्ट निशान लगने के बाद जो है ये एक लादी जो है सपोर्ट के लिए रख दी गई है और जब कायम हो जाएगा तो मिला रहे बाबू। अब जो है चारों कोने पे जो है कायम का निशान लग चुका है, यानी जो है जितने निशान है परफेक्ट हिसाब से लग चुके हैं लेवल पाइप के मदद से। और अब जो है लेवलिंग के हिसाब से एक प्लास्टिक की लाइन डोरी बांध दी जाएगी, यानी एक रस्सी बांध दी जाएगी और उसी हिसाब से जो है फ्लोरिंग का जो माल है बिछा दिया जाएगा, जितना रेवती सीमेंट है सब जो है उसी हिसाब से बिछेगा और फिर परफेक्ट जो है लादी लगनियाँ चालू हो जाएगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है और लोगों का ध्यान इस बात पर जाता भी नहीं कि किस खूबसूरती के साथ जो है लादी बिछाई गई है। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।